मुस्तफ़ा साहब सो गए और मैंने उस मौके का फ़ायदा उठा के ना कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद जो उसने सुबह तक मुझे जगाया है, अल्लाह तौबा, मैंने कहा आज के बाद मैंने इसको दिन में नहीं सोने देना। तो खैर ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी, आप लोगों ने देख ली होगी होपफुली। अच्छा सच में मैं एक बात बताऊँ, आई एम दैट काइंड ऑफ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन कि जब मैं बोर हो रही होती हूँ ना तो मैं अपनी वीडियोज देखने बैठ जाती हूँ और मुझे उन्हीं में मज़ा आ रहा होता है। अब रात को जब सोने का टाइम था और ये सारा मेकअप मैंने वॉश करना था, मैंने कहा नहीं यार ये हीटलेस कर्ल्स ट्राई करते हैं। घर ना भरा हुआ है मैंने दराज की चीज़ों से, तो ये टूल मुझे वहाँ पर नजर आया था, मैंने ऑनलाइन इसकी कुछ वीडियोस देखी थी और इसको करना बहुत सिंपल और इजी है। अच्छा थोड़ा सा ना रात को बंदा ऑब्वियसली सोते हुए इरिटेट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी द रिजल्ट्स आर क्वाइट सेटिस्फाइंग। एक साइड से तो बड़े फिट कर्ल्स पड़ गए थे, दूसरी साइड से खुल गए थे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं इनको पीछे कर लेते हैं। हीटलेस कर्ल्स यार पास हो गए, बड़े प्यारे नीट से कर्ल्स पड़ जाते हैं, लेकिन बात यह ना कि ये स्टे भी करें। अच्छा जिस टाइम मैंने इनको खोलना स्टार्ट किया ना, मैं उससे पहले उठ के खाना शाना बना के फुल पसीनों पसीन हो के फिर मैं आके बैठी, मैंने कहा नहीं यार आई हैव टू रिकॉर्ड इट व्हाइल ओपनिंग। और आप मेरे काम चेक करें, मैंने इतनी मेहनत की अपने बालों पे, पूरी रात इतनी इरिटेट होकर सोई, इनको बर्दाश्त किया और उसके बावजूद सुबह उठते सर जाके घंटे बाद ट्यूबवेल में छलांग मार दी। तो यस्टरडे वी वर गोइंग टू ट्यूबवेल, जब से मुझे डाइवे मारने आई है ना तब से तो मुझे और मजा आता है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, बालों की कुर्बानी दे दूंगी मैं। तो बस फिर मैं उठी, फटाफट खाना शाना बनाया, फिर मैंने आके अपने बाल छाल स्टाइल किए और इसके बाद जो है ना अच्छे से सन ब्लॉक लगाया, मुस्तफा को सन ब्लॉक लगाया। इसको मैं लगाती हूँ द रियल हेयर स्पेशलिस्ट नाम करके है, वो लोशन प्लस एसपीएफ। जिस दिन भी हम लोगों ने ट्यूबवेल जाना होता है ना तो हम लोग दोपहर के टाइम जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वही टाइम होता है ज्यादा। अब सारे जिस हालत में होते हैं ना उसी हालत में उठ के गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं भाई आई हैव टू स्टाइल इट। तो खैर हम लोग पहुंच गए अपनी लोकेशन पे, ये लोकेशन मैं आप लोगों को बहुत दफा दिखा चुकी हूँ क्योंकि हम पूरी गर्मियों में बहुत दफा आए हैं यहाँ पे, फुल ऑन देसी माहौल, यहाँ पे भैंसे शैसे साथ बंदी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आई थिंक इट्स नॉट द लोकेशन, इट्स ऑलवेज द कंपनी यू एंजॉय। खाने में ना उठते सार मैंने हलीम और चावल बनाए थे, और यकीन करे जिस टाइम मैं किचन में गई थी ना मुझे इतनी शदीद नींद आ रही थी, मेरा दिल कर रहा था बस मैं सो जाऊँ। और यस वन ऑफ आवर आंट आल्सो ब्रिंग बिरयानी। अच्छा तो खैर मैं खाने का बता रही थी, मैंने लिटरली इतनी नींद में खाना बनाया था ना आज, बाद में ट्यूबवेल की एक्साइटमेंट में मैं फ्रेश हो गई। माया बजी जब से यूके से आई है ना ये इतना थोड़ा खाना खाती है, इनके सामने ना मुझे खाते हुए शर्म आ रही होती है, और आज पहली दफा मैं इनको हंस रही थी। मैंने कहा जाते जाते ना आप मेरा दिल खुश करके जा रही है कि मैं इतनी गर्मी में बनाऊँ ना और अगला बंदा खाए तब मजा आता है। और अब इनके वापसी जाने का टाइम आ गया और मुझे इतना दुख हो रहा है, मैंने कहा यार मैं बहुत मिस करूंगी आपको। हम नंद भाभी एक दूसरे की नहीं बल्कि मिलके बैठ के सबकी बुराइयां करते हैं। मैं और माया बजी जब इकट्ठे बैठ जाए ना कोई तीसरा बंदा हमारे दरमियान बोल ही नहीं सकता। तो खैर खाना शाना खा के ये जी सास बहु गोल्स। माय मदर इन लॉ शी इज माशाल्लाह माशाल्लाह सच अ लाइवली पर्सन, वो अगर छलांग ना मारती मैं तो कभी भी ना मारती। पानी जो हिट करता है यार इतना ठंडा लगता है एकदम, इसमें एक दफा तो आपका तरा निकल जाता है। तो खैर उसके बाद हमने सही खूब इंजॉय किया, मुझे तो आजकल ये वाली डाइव मारने आ गई है, बड़ा मजा आता है। अच्छा मैं सच्ची बताऊँ जिस टाइम हम लोग घर से निकल रहे होते हैं ना तब इतनी खप मची होती है कि बंदे का दिल करता है यार दफा करो हम घर ही ठीक है। पापा को होता है कि फटाफट टाइम से पहुंचे, हम लोग कोई ना कोई चीज घर भूल जाते हैं, वो इकट्ठी करने में फिर रहे होते हैं, मतलब सच में लाइक खप खप मची होती है। लेकिन फिर जब ठंडे पानी में इस गर्मी मौसम में आपको स्विमिंग का मजा आता है ना, आई हर बारी जाके एक नया स्टंट सीख के आती हूँ, और सबसे ज्यादा एंजॉय तो मेरा बेटा करके आता है, और इतना खेल खेल के ना वापसी पे हम सारे सो जाते हैं। और आज तो खैर से मौसम इतना फिट हुआ हुआ था, बस फिर घर आई, चेंज किया, मुस्तफा को सुलाया और मेरे कुछ पार्सल्स आए हुए थे उनको अनबॉक्स किया। दिन में जिस टाइम सोता है ना मैं ये काम करती हूँ बैठ के, सारी चीजें मैंने दराज से मंगवाई थी, फ्रिज का कवर था, ओवन का कवर था, इसके साथ ये इसके डायपर डिस्पोजेबल बैग्स प्लस डिस्पेंसर, और ये मैंने जिशान भाई के लिए एयरपोर्ट्स का जो है ना वो मंगवाया था कवर, बस यही सारा कुछ चलता। माया बच्ची की वापसी की तैयारी स्टार्ट हो गई है, और सामान पैक करना उसका वेट करना यार इट्स हेल ऑफ अ टास्क। बच्ची आपने कितनी बुक्स लेके जा रही है? ला हासिल, लाइफ इज व्हाट मेक व्हाट यू मेक इट, निम्र अहमद की किताबें, आई हैड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मुसहफ और दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट पीर कामिल, लाजमी पढ़े अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी हुई। अच्छा हर्फ से लफ्ज तक ये नहीं मैंने पढ़ा हुआ, ये तो है ही छोटी सी, द साइलेंट पेशेंट, 40 rules of love, Alif Shafak, La Hasil नहीं मंगवाया? वो दोनों मंगवाए हैं। हाँ ये दोनों famous हैं के। इस बार माया बजी ने सही बुक्स इकट्ठी की हैं, और जो भी यूके से आता है वो प्लास्टिक के बर्तन यहाँ से लेके जाते हैं। तो खैर दिस वाज ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय, सब्सक्राइब कर लेना।